ये होगा कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनली जो अलाउड है, जो चल रहा है, उसके रहते ये नहीं हो पाएगा। आप जब पहुंचेंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, मोदी जी कल चाहे तो उसमें अमेंडमेंट कर दें। ये तो कौन करेगा, कोई सुनेगा नहीं ना, नहीं, क्यों सुनेगा वो? ओके, अब आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्यों सुनेगा। तो मेरा ये कहना है कि जैसे जो किसान का आंदोलन हुआ है, ये बहुत ही घटिया तरीका है अपनी बात राइट। यदि ये अंग्रेजों के शासन में होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी राइट, क्योंकि भाई वो तो विदेशी शासन है, वो तो सुनेगा नहीं आपका। हमारी चुनी हुई सरकार को तो हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, इसके हमारी पल्स का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा कहना है कि यदि आप ऐसे जो है विरोध में जाएंगे, वो करेंगे, चक्का जाम करेंगे, तो आपके साथ मारपीट भी होगी, आपके खिलाफ केस भी कायम होंगे। तो हम इस हमें दूसरे तरीके इसके निकालना पड़ेंगे राइट। दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं, मोदी जी ने ही सिखाए हैं कि हम कहें कि साहब जो है सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि यदि क्राइम फ्री भारत पार्टी को ही मान लिया जाए कि इट इज ए माउथ पीस ऑफ एवरीवन राइट। सब एक 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 चीज मैं बताऊं, एक तो लंच टाइम हो रहा है, बाद में बात करेंगे। आप एज्यूम करके चल रहे हैं कि मोदी जी को कहेंगे वो सुन लेगा। मैं उस पॉइंट नहीं, मैं ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मोदी जी कैसे मजबूर होंगे। वो नहीं होगा मजबूर। अरे वो मजबूर होंगे, मजबूर तो जो है ना कैसे नहीं होंगे, वही तो मैं बता रहा हूँ। नहीं, वो नहीं होंगे क्योंकि ये आपका मानना है कि मजबूर नहीं होंगे। मेरा मानना है कि वो आपको एक साल तक आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। अरे आप ये नहीं समझ रहे, जो आप नहीं, लेकिन नहीं नहीं, उनके मजबूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सुनो ना पहले। आप नहीं कर सकते। अरे हम कर सकते हैं, यही तो हम आपको बताना चाहते हैं। आपने मान लिया कि आप नपुंसक हैं, आप नपुंसक नहीं है। मैंने बिल्कुल नहीं है। आप मेरे को समझा रहे हैं ना, आप मोदी को नहीं समझा रहे, आप मेरे को समझा रहे हैं। आप तरीका निकालिए। हाँ, तो मोदी को समझाने के तरीके तो अपन बात करेंगे। अच्छा, अगली बार अपन बात करेंगे कि मोदी जी को कैसे समझ में आएगा। हाँ, आप मोदी को डायरेक्टली बोलिए, तब कोई बात नहीं, मेरे को बोलने से नहीं होगा। देखिए आप तो एक माध्यम है, आपका क्या है, आपकी क्या आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी नहीं है मेरा। आप तो एक माध्यम है, बात कर रहे हैं, बात मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं, एक माध्यम के माध्यम से कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसे बात करने से कुछ भला नहीं होना है, लेकिन जो ये बातचीत है, जब ये सब जगह प्रसारित होगी तो इसका फर्क पड़ेगा। हाँ, तो वही बात है। तो अभी चलो, अभी मैं बंद करते हैं, बहुत अच्छा कंटिन्यू रहेगा। आप अगर मेल आईडी मेरे को शेयर कर देंगे ना, आपको मेल कर दूंगा मैं। आप तो अपना खुद का वीडियो बना के मुझे भेजिए और फिर अपन उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, फिर ऐसा कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए, ओके, थैंक यू।